हेलो भाई, पूरा ग्राउंड खाली करा दे रफीक। रफीक पूरा ग्राउंड हेले हेले हेले, तू अंदर रहना इस लेवल। अरे कोई भी रहे बोल भाई, प्लीज दरख्वास्त है भाई, ग्राउंड खाली कर दे। आकाश प्लीज भाई, लोग ग्राउंड खाली कर दे। जितना जल्दी मैच चालू होगा उतना जल्दी खत्म होगा, लोगों को रातों की नींद मिलेगी। हेलो हेलो, काई कबीला और रकी चैलेंजर के बीच पहला मैच खेला जाएगा आज टाइगर कप 2022 का मेगा फाइनल डे। दोनों ही कैप्टन से गुजारिश है भाई, टॉस के लिए आना है। भाई तीनों ही अंपायर से गुजारिश है प्लीज ग्राउंड पे आना है। दोनों ही कैप्टन के कैप्टन से गुजारिश है, दोनों ही टीम के कैप्टन से गुजारिश है पर टॉस के लिए आना है। काई कबीला के कैप्टन वर्सेस जकी चैलेंजर के कैप्टन, प्लीज टॉस के लिए आना है। तीनों ही कैप्टन, तीनों ही अंपायर, और उसके बाद खेला जाने वाला मुकाबला दोस्तों शेजान वॉरियर वर्सेस माहिरा 11। दोनों ही कैप्टन से गुजारिश है अपने अपने प्लेयर रेडी रखना है, एक मैच चालू होने के बाद किसी के लिए भी रुका नहीं जाएगा, ये बात को आपको ध्यान में रखना है। प्लीज माहिरा 11 के कैप्टन और शेजान वॉरियर के कैप्टन, दोनों ही कैप्टन से गुजारिश है अपने प्लेयर तैयार रखना है, इसके बाद आपका तुरंत मैच खेला जाएगा।
और यहाँ पर चलते हैं टाइगर कप 2022 का मेगा फाइनल लेकर। पहला मैच है काई कबीला वर्सेस जकी चैलेंजर, और तीनों ही अंपायर से गुजारिश है भाई प्लीज ग्राउंड पे आना है। चलिए एक मिनट भाई और यहां पर चलते हैं पहले मैच की तरफ। टाइगर कप 2022 का मेगा फाइनल लेकर पहला टॉस उड़ता हुआ एक तरफ है जकी चैलेंजर के कैप्टन, दूसरी तरफ है काई कबीला के कैप्टन मंजूर भाई के शुरुआतों से इस दिन का आगमन होता हुआ। और यहां पर सिक्का जकी चैलेंजर के हक में गिरता हुआ और जकी चैलेंजर ने टॉस जीता है और टॉस जीत के आमंत्रित किया है काई कबीला को बल्लेबाजी के लिए। रूल रेगुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, रूल रेगुलेशन आपको ध्यान देने का है बॉस आदिल भाई। रूल रेगुलेशन आपको ध्यान देना, फ्रंट फुट की नो और बीच के लाइन की नो पे फ्री हिट है। हाँ, और अंपायर डिसीजन आखिरी डिसीजन है ये बात। अगर टेक्निकल इश्यू आता है, अगर आप रिव्यू लेते हैं टेक्निकल इश्यू आता है तो अंपायर का डिसीजन माना जाएगा, ये बात को आपको ध्यान में देना है। और पावर प्ले की ओवर है, पावर प्ले की ओवर में तीन प्लेयर आगे कंपलसरी, एक प्लेयर बाहर कंपलसरी, बाकी आप बीच में लगा सकते हैं। तीन प्लेयर आगे कंपलसरी है ये लाइन के। हाँ और कुछ, और ये मैं बोल रहा था गुटका पान मोबाइल सब पेनल्टी है तीन रन की, मोबाइल मेरा तेरे पास। और गोवा गुटका गाली देते हुए अगर अंपायर ने पकड़ा और यहाँ पर अगर अंपायर किसी भी प्लेयर को गाली, अंपायर आपको ध्यान देना अगर किसी प्लेयर को गाली पकड़ते गाली देते हुए पाएगा तुरंत पेनल्टी देने का है भाई, विचार विमर्श नहीं करने का है। जावेद भाई अगर गाली देते हुए कोई भी प्लेयर मिलता है तो तुरंत आपको पेनल्टी देना है, विचार सोचने उतने की जरूरत नहीं है। और अगर आपका एक भी प्लेयर शॉर्ट है तो आपको पूरा मैच शॉर्ट प्लेयर से खेलना पड़ेगा, सेपरेट प्लेयर नहीं दिया जाएगा, ये बात को आपको ध्यान रखना है।
उमर बस
अभी भी बैठा ना, आज नया नहीं लेके आया याद करके आया करके नहीं हाँ तो क्या तुम्हारे रजिस्टर चुप ना मार के मैच की तरफ जान दे एले चाले मत करवा देख अब काम पे बैठा हूँ मैं सिद्धांत भाई के और यहाँ पर टाइगर कप 2022 का मेगा फाइनल की शुरुआत होती हुई एक तरफ है क्या नाम है भाई लोग काय कबीला और दूसरी तरफ है जकी चैलेंजर टॉस जीता पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और उनके सलामी सलामी बॉलर अरबाज एक यॉर्कर के महारथी जरूर कहेंगे उनको और उनका सामना करने के लिए तैयार है काय कबीला के करता रहता और यहाँ पर पहले ही बॉल पे मेगा फाइनल डे का आगाज किया 6 रनों के साथ और अगर एजाज भाई यहाँ पर इनामों की राशि मैच के पहले बॉल से आते हुए एजाज भाई अगर कैच पकड़ते हैं तो शादाब छोटू की तरफ से 100 रुपए की इनामी राशि पहली बॉल पर छक्के के साथ अपना खाता खोला फिर से एक बार पैरों के भीतर डाली हुई गेंद थी सम्मानजनक स्ट्रोक और सूझबूझ भरी बैटिंग यहाँ पर आदिल करते हुए एक छक्का मारने के बाद स्ट्राइक रोटेट करने यहाँ पर जरूरी समझा काफी अच्छा क्लास क्रिकेट खेलते हुए यहाँ पर आदिल अब सामना करेंगे एक उभरते हुए सितारे अरफात और यहां पर जैसे को देख के तैसा बदला यहां पर गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए यहां पर अरफात पहली बॉल पे अरफात ने भी छक्के के साथ अपना खाता खोला इसको जा पहुंचा 3 बॉल 13 रनों पर और यहां पर बहुत ही अच्छा चेक किया और यहां पर अगर अरबाज अरफात की विकेट लेते हैं तो फ्रेंच टर्फ की तरफ से 100 रुपए की इनामी राशि जरूर ली जाएगी यहां पर और यहां पर बहुत ही अच्छी गेंद पैरों के अंदर डाली गई गेंद थी और यहां पर रनआउट का चांस जरूर था थोड़ी सी मिस फील्डिंग जरूर कहेंगे यहां पर एजाज भाई की 4 गेंदों में 14 रन अब तक के 2 छक्के और 2 सिंगल काफी अच्छी सूझबूझ भरी बैटिंग करते हुए यहां पर दोनों ही बल्लेबाज काय कबीला के और यहां पर फिर से एक बार जोर से मारने की कोशिश जरूर की थी पर 1 रन से ज्यादा यहां पर कुछ भी नहीं 5 बॉल बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन अब आने वाले आखिरी गेंद सामना करेंगे फिर से अरफात अगर विकेट लेते हैं तो 100 रुपए की इनामी राशि फ्रेंड्स टर्फ की तरफ से और यहां पर 100 रुपए की इनामी राशि एजाज भाई को भी दी जाएगी और अरबाज को भी दी जाएगी एक पहली ओवर की समाप्ति होती है यहां पर पहली ओवर की समाप्ति पर दोस्तों स्कोर जा पहुंचा है 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर यहां पर अरफात ने अपनी टीम के लिए 7 रन 2 गेंदों में 7 रनों का योगदान दिया यहां पर अरफात ने 3 गेंदों में 7 रनों का योगदान दिया अब अरफात की जगह लेने आए हैं एक एक्सपीरियंस बल्लेबाज इमरान सर और मैं आपको बताता हूं इमरान एक ऐसे बल्लेबाज है अगर 3 ओवर बैटिंग करते हैं तो मैच की सिचुएशन इक्वेशन सब बदल के रख सकते हैं जो जानते हैं उनको नहीं बताना चाहूंगा जो नहीं जानते उनको इमरान के बारे में बताना चाहूंगा जैसे ही वो ग्राउंड पर कदम रखे इनामों की राशियों की बौछार यहां पर आती हुई अगर 2 छक्के बैक टू बैक मारते हैं तो फुरकान की तरफ से 2000 रुपए की इनामी राशि दी जाएगी यहां पर इमरान को हैट्रिक पे फुरकान को भरोसा है कि 2 मार देंगे हैट्रिक पे मंशा यहां पर जाते हुए 2000 रुपया हैट्रिक छक्कों पे यहां पर आदिल और दूसरी ओवर की पहली गेंद लेके तैयार है यहां पर धनेश और यहां पर पहली बॉल पे 9 गेंद के साथ वेलकम किया यहां पर धनेश का वेलकम टू टाइगर कप 2022 धनेश को ये बात जावेद दा बताते हुए और यहां पर बहुत ही अच्छी गेंद थी पैरों के भीतर से जाती हुई गेंद थोड़ी सी मिस फील्डिंग कीपर की जरूर कहेंगे कीपर के दास्तानों से दूर थी और यहां पर अंपायर का इशारा आता हुआ विकेट का पतन होता हुआ यहां पर अंपायर द्वारा और यहां पर बहुत ही अच्छी कैच अमन की
दूर डाली हुई गेंद थी, बैकफुट पे मारने की कोशिश जरूर की, बॉल ने ऊंचाई पकड़ी, यहाँ पर एलिवेशन की कमी जरूर दिखाई दी और यहाँ पर कैच के रूप में लद्दाख की इनिंग की समाप्ति होती हुई। दो ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 19 रन चार विकेट के नुकसान पर। अब यहां पर आए हैं एक बुमराह के सबसे एक्सपीरियंस एक यंगस्टर प्लेयर अरफात, एक अच्छा खासा वक्त जरूर दे चुके हैं क्रिकेट को और यहां पर सामना करेंगे अय्यूब भाई। और यहां पर पहले ही बॉल पे कैच का पतन, पहले बॉल पर विकेट की समाप्ति। बाहर से कुछ मत बोलो, आप पूछेंगे तब ना।
बाकी तेरी मर्जी मैच खेल तुम्हारे में ही ना कितना हुआ? चार ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 36 रन। अगर ये मैच जीतना है जैकी चैलेंज को तो 37 रन बनाना कंपलसरी। अब तक के टाइगर कप 2022 का सबसे लो स्कोरिंग ये मैच था, अब तक के लो स्कोरिंग इनिंग में मारा हुआ ये रन था 36 रन। भाई इसके बाद खेला जाने वाला मुकाबला महिरा 11 वर्सेस शेजान वॉरियर, दोनों ही कैप्टन से गुजारिश है भाई खुद भी रेडी रहना है और अपने प्लेयर के साथ रेडी रहना है, किसी का इंतजार नहीं किया जाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है और वाइट ट्रैक कंपलसरी है प्लीज। माहिरा 11 के जितने भी प्लेयर है भाई प्लीज टॉस बॉक्स के पास मतलब स्टेज के पास आ जाए। बिलाल मोहम्मद भाई बुला रहे आपको, इकबाल भाई स्टेज के पास आना है भाई, आपकी टीम वाले आपको बुला रहे। रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरे सलामी बल्लेबाज, एक तरफ है शाहरुख और दूसरी तरफ है अरफात। हो काफी अच्छा मंजर यहां पर देखने को मिल रहा है। अरफात एक इससे पहले भी टूर्नामेंट रखा गया था एसपीएल, उसमें भी काफी अच्छा परफॉर्म किया था यहां पर अरफात ने।
एक ओवर की समाप्ति पे दोस्तों स्कोर जा पहुंचा है 12 रन। अब आने वाली 18 गेंदों में जीत के लिए पच्चीस रनों की जरूरत। और यहाँ पर अरफात को जैसे कि मालूम था कि मैं आउट हूँ, खुद ब खुद स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हैं यहाँ पर अरफात। उनका नाम जरूर टाइगर कप 2022 के पन्नों में लिखा जाएगा। बहुत अच्छा शॉट जैसा है कि पहले बॉल पे यहां पर आदिल ने भी छक्का मारा था। अरबाज ने पहले बॉल पे यहां पर मुंहतोड़ जवाब दिया यहां पर आदिल को। दूसरे बॉल पे सिंगल भी किया था, दूसरे बॉल पे सिंगल भी करते हुए बाकायदा जैसे को तैसा देते हुए यहां पर अरबाज। अब आने वाली 15 गेंदों में जीत के लिए 18 रनों की जरूरत। शोएब भाई, शेजान के सभी प्लेयर से गुजारिश है भाई स्टेज पे आना है, आपके कर्ता धर्ता आपको बुलाया जा रहा है। और यहां पर पटकी हुई गेंद थी, अंपायर की नजरों से आप नहीं बच सकते। अंपायर का शॉट आता है नो बॉल, फिर से एक बार एक्स्ट्रा के रूप में इसको जा पूछा है। चौदह गेंदों में 15 रनों की जरूरत। यहां पर मिस फील्डिंग थोड़ी सी जरूर कहेंगे और मिस फील्डिंग का खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा यहां पर काई कबीला की टीम को। फिर से एक बार तैयार है यहां पर अरबाज और यहां पर बाहर डाली हुई गेंद थी, एक रन से ज्यादा यहां पर कुछ नहीं। अभी भी 12 गेंद 13 रन, दो ओवर की समाप्ति हो चुकी है। दो ओवर की समाप्ति के बाद 12 गेंदों में जीत के लिए 13 रनों की जरूरत। और यहां पर फ्री हिट, इतना सा तो ग्राउंड है, उसने कौन सी फील्डिंग की।
अच्छा बैट्समैन चेंज नहीं रहेगा तो फिर सेम बैट्समैन रहे तो ये नवा मेरे को मालूम है ये नया है झुटका वर्ल्ड रिकॉर्ड का मिलेगा झुटका वर्ल्ड रिकॉर्ड अरे क्या बात है दबरेस हाथ अटक गया था हवे में अब आठ गेंदों में महज एक रनों की जरूरत है और यहां पर शाहरुख की इनिंग की समाप्ति होती हुई सात बॉल एक रन महज औपचारिकता ही बाकी और यहां पर जरूर देखने को मिला अगर नदीम छक्का मारते तो 100 रुपए की इनामी राशि और यहां पर नो बॉल और यहां पर मैच की समाप्ति होती हुई मैन